السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं आप सब लोग? एक सिस्टर ने लिखा है वॉइस नहीं आ रही, तो आवाज आपको आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। ओके चले ठीक है. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله मैं खैर खैरियत से ठीक ठाक. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हम तकमील सेशन और फिर उसके बाद थोड़ा सा जो न्यू कोर्स हमने स्टार्ट करना है उसकी ओरिएंटेशन के हवाले से हम यहाँ टुगेदर हुए हैं. तो इसमें जो हमने 2 साल रहे हमारे इस कोर्स के साथ, एक सेशन हमारा हुआ था 2021 में फिनिश, और जो उससे नेक्स्ट वाला था 2022 का. उन दोनों कोर्सेज का हम इकट्ठा यहाँ इसमें देखेंगे तकमील के हवाले से. इसमें हमारी ऑलमोस्ट 3 स्टूडेंट्स हैं जो कि पास आउट हुई. सिस्टर शाइस्ता, सिस्टर उम्मे हानी और सिस्टर अर्शिया. तो इसके हवाले से हमारे पास कुछ इनके वो भी हैं, रिफ्लेक्शंस भी हैं, जो इनके तासुरात हैं इस हवाले से, जो इन्होंने अपना इस कोर्स में जो वक्त गुजारा. तो हम इंशाल्लाह देखते हैं वन बाय वन रिफ्लेक्शंस को, और फिर उसके बाद हम लेटर ऑन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये कोर्स सिस्टर बुशरा के साथ अपना अरबिक लैंग्वेज का किया है। मेरा एक्सपीरियंस सिस्टर बुशरा के साथ बहुत अच्छा रहा। ग्रामर और लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ने के लिए भी और पढ़ाने के लिए भी बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, और जिस तरह सिस्टर बुशरा ने हमें ग्रामर कराई है, अल्हम्दुलिल्लाह इतने आराम से, इतने प्यार से पढ़ाया, तो बल्कि हम कहते थे कि सिस्टर बुशरा हमने तो आपके दिमाग की चटनी बना दी है। पर अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर बुशरा के साथ हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस कोर्स को शुरू करने से पहले बिल्कुल लगता था कि बहुत मुश्किल है, हम सब चीज़ें कर लेते हैं, पर हम अपनी अरबिक लैंग्वेज को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम दूसरी लैंग्वेज को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं ना, इंग्लिश तो हमें आनी ही आनी है, उसके बगैर तो हमारा इस दुनिया में काम नहीं हो सकता। और अगर हम अपने कुरान को देखें तो इसमें तो देखें जैसे हम उर्दू बोलते हैं और अरबिक है, आधे से ज्यादा वर्ड्स तो उर्दू के हिस्सा में समझ में आ जाते हैं, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। और मैंने भी जब कुरान पहले तर्जमे से नहीं पढ़ा था तो मुझे बिल्कुल किसी चीज की इतना समझ नहीं थी, फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तर्जमे के साथ किया, और अब जब सिस्टर बुशरा के साथ मैंने ये ग्रामर कोर्स किया अपनी लैंग्वेज का, तो इसने मुझे कुरान समझने में, पढ़ने में, पढ़ाने में इतनी हेल्प की है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम लोग इस चीज को इतना हवा बना लेते हैं। अगर हम इस चीज को सोच लें कि हम रोज की नमाज में क्या पढ़ रहे हैं, हम कुरान क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पर हमें उसकी समझ ही नहीं है, तो अल्लाह ताला ने आपको एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि आप इसको समझें और फिर पढ़ें और फिर अमल में लेके आए। तो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैं सबसे यही कहूंगी कि जरूर कुरान का तर्जमा समझें, और खास तौर पे जिस हम इंग्लिश को इम्पोर्टेंस देते हैं हम अपनी अरबिक लैंग्वेज को दें, क्योंकि ये देखें हमारी कुरान की जुबान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान है। अब
दूसरे मुल्कों में जाएंगे, देखें जर्मनी जाएंगे, वहां रहने के लिए, पढ़ने के लिए आपको वहां की लैंग्वेज सीखनी है, वो सीख लेंगे। कम ये अरबिक हमारी जर्मन लैंग्वेज से तो बहुत इजी है ना, तो बस यही है कि हम खुद भी पढ़ें और आगे अपने बच्चों को भी, तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह फिर ये कुरान हमारे अंदर उतरेगा। अस्सलाम वालेकुम। ये जो कोर्स हमने इस सेशन में कंप्लीट किया 2021 में, इसमें जो हमारा पैटर्न रहा उसमें पहले तो हमने जाहिर है ग्रामर के रूल्स रेगुलेशंस को देखा, फिर उसको कुरान मजीद के साथ भी इम्प्लीमेंटेशन उनकी की, और इसके अलावा कुछ जो एंड वाले खास तौर पर लेक्चर्स थे जिसमें हमें थोड़ी सी ग्रामर की इस्म की थोड़ी हाउ नो हुई। उसके बाद हम लोगों ने जो स्टोरीज होती हैं उनकी उनके साथ और खुद से सेंटेंस मेकिंग के ऊपर हमने काफ़ी क्लासेस में प्रैक्टिस रखी, तो उस हवाले से मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अरबी में भी अपने कुछ आप कह लें कि कुछ मकालात हैं टू स्टूडेंट्स के, वो भी हम इनके रिफ्लेक्शन के बाद इंशाल्लाह हम देखेंगे, जिसमें ऑफ कोर्स 100% तो उन्होंने अपनी कोशिश नहीं रखी क्योंकि जाहिर है हम वंस अ वीक 1 आवर की क्लास लेते थे, उसमें इतना पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने पांव पे खड़े होके खुद ही 100% अरबिक को राइट कर सकें या सेंटेंसेस बना सकें, कुछ बहुत मेरी थोड़ी सी हेल्प उनको चाहिए होती थी। तो ये एक्चुअली एक ग्रुप वर्क है जिसके साथ उन्होंने कुछ सेंटेंस मेकिंग की और अपना जो एक छोटा सा तारुफ था वो उन्होंने बनाया, जिसको के रिफ्लेक्शंस के बाद अब मैं इंशाल्लाह प्ले करती हूँ तो आप सुनेंगी। सबसे पहले सिस्टर शाइस्ता का ही, जिन्होंने अभी रिफ्लेक्शन दिया उन्हीं का अपना थोड़ा सा इंट्रो है जो उन्होंने अरबिक में राइट किया मेरी हेल्प के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इस्मी शाइस्ता शाहिद मिन दुबई, ولي ثلاثة الأطفال، أنا سعيدة بدورة اللغة العربية مع مدرسة الأستاذة بشرى، زاهد الله استفدت كثيرا بهذا دورة اللغة العربية، أنا استطيع أن أكتب وتكلم العربية إلى حد وليس تماما، وأنا مسرورة جدا. هذا اللغة القرآن ولغة الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استفدت كثيرا من أستاذة بشرى وهي ماهرة جدا في تدريسها، وهي تستعمل ذلك في التدريس وينصل أخوات والأخريات بالأجمع إلى هذا الدورة العربية، إنها لغة القرآن والسنة. میرا نام شائستہ شاہد ہے، میں دبئی میں رہتی ہوں، الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں۔ میں نے یہ عربک کورس اپنی استاذ بشرا کے ساتھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کی جزا خیر عطا فرمائے، آمین۔ میرا یہ کورس ان کے ساتھ بہت اچھا رہا، بہت فائدہ مند رہا، خاص طور کے قرآن کو پڑھتے وقت اس کے گرامر اور اب زیادہ سمجھ آنے لگ گئی اس کورس کے بعد، اور استاذہ بشرا نے بہت اچھے سے ہمیں پڑھایا، اور ہمیں بس یہ اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ ہماری جو عربک لینگویج ہے ہمیں ضرور سیکھنی ہے، ہماری قرآن کی لینگویج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اور ہماری سنت ہے۔
इसके बाद हम चलते हैं दूसरे स्टूडेंट की तरफ जिनके रिफ्लेक्शंस देखते हैं हम इस कोर्स के हवाले से उन्होंने क्या महसूस किया. इनका नाम है सिस्टर उम्मीद. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. अरबी ग्रामर के इस कोर्स में मेरा तारुफ कुछ ही महीनों पहले हुआ और मुझे इल्म हुआ कि एक कोर्स का ऐलान किया जा रहा है जिसके लिए मैं बचपन से ख्वाहिशमंद और मेरा शौक जो है मुतमन्नी था कि मैं कुरान की जुबान सीखूं. मैं मेरा नाम उम्मीद है, लाहौर पाकिस्तान से हूँ. पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से उर्दू जुबान में मास्टर्स कर रखा है और इसको पढ़ाती भी रही हूँ कॉलेज की सतह पर और असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही थी कि मेरे मुझे एक्स पाकिस्तान लीव लेकर पाकिस्तान से बाहर आना पड़ा. तो मगर मेरा ये शौक इल्म सीखने का जारी रहा. जुबानें मुख्तलिफ सीखने का इत्तफाक हुआ जिंदगी में क्योंकि मेरे वालिद साहब बसिलसिला मुलाजमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तैनात रहे जहाँ मैंने सराइकी, फारसी, अंग्रेजी बदस्तूर उनके मुकम्मल लहजों से सीखी. पंजाबी चूंकि मेरे वालदा माजदा की जुबान थी इसलिए और हमारे खानदान की जुबान भी थी तो वो भी मुकम्मल तौर पर मुझे उसमें अबूर हासिल है. और बतौर मुसलमान कुरान करीम की अरबी तजलियात और करिश्माती बयान जो है वो हमेशा से मुझे अपने लिए खींचता है और मैं उसको सीखना चाहती थी ग्रामर के एतबार से क्योंकि उसके जब मैं उसकी मुख्य सूरह तलावत करती थी तो उसमें जो तलफ़ुज और जो उसके काफ़ी और रदीफ की पाबंदियां हमेशा मुझे इंस्पायर करती थी कि किस कदर जुबान के इल्म के बयान बुलंद मयार पे है. खास तौर पे जब मैं सोचती थी कि अरब जो अपनी जुबान दानी पर बड़ा नाज करते थे तो अल्लाह करीम ने उसी जुबान में एक मुकम्मल नुस्खा आफाकी और हमगीर जो कि क़यामत तक के लिए हमारे लिए रहनुमा है नाजिल फरमा कर किस कदर उनके लिए एक काबिल रश्क मिसाल कायम की कि वो खुद भी इसकी जुबान पर हैरान थे. और मैं हमेशा से जब इसको सीखना चाहती थी तो मुझे जब ये ऐलानिया या ऐलामिया जब तक मुझ तक पहुंचा तो इसने मेरे शौक को और महमीज दी और मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया. मुहतरमा बुशरा मलिक साहिबा हमारी उस्ताद हैं इसमें और उनका अंदाज़े तालीम बेहद उसके अंदर शफकत, मोहब्बत और मिजाज आशनाई मौजूद है. वो हद मुमकिन तआवुन करती हैं अपनी तालिबात के साथ जो हमारे लिए काबिल रश्क है और इसको सीखना मेरे लिए एक बहुत बड़ी सआदत है. मुझे मालूम है इसका इल्म और इसकी हदें बहुत वसी हैं क्योंकि ना इल्म की कोई हद है और ना समंदर की कोई गहराइयां नाप सकता है और महद से लहद तक हम सबको इल्म हासिल करने का हुक्म मौजूद है. तो मैं समझती हूँ कि मैंने एक बहुत बड़ी यानी अल्लाह ताला की कादरुल कलामी वाली किताब जो है उसको सीखना शुरू किया है. अल्लाह ताला मेरी मदद, मुआवनत और रहनुमाई करें और मैं सफर पर चलती रहूं. और मैं बहुत एक अदना तालिब इल्म हूं, मैं इसका इतराफ करूंगी मगर मैं ये चाहूंगी कि मैं मुस्तकिल इस रास्ते को जो है वो इस पे चल कर अपने लिए इसमें कोई ना कोई राहबरी या रहनुमाई का रास्ता निकाल सकूं. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अल्लाह ताला अगर मुझे ये तौफीक अता फरमाते रहें और मैं इसमें कुछ सीख सकूं क्योंकि इल्म की कोई हद नहीं है और हमें अपनी महदूद सतह का बराबर इल्म है. और इस तवक्को के साथ कि हमारी ये क्लास एक बहुत खूबसूरत क्लास है और इसमें हमारे उस्ताद और हमारी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने आप को बहुत कंफर्टेबल और आसान महसूस करती हैं और शौक जो है वो और बढ़ता चला जाता है इसको सीखने का. मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि इसको याद करना और इसको समझना वाकई बहुत वसी है. तो इस ताकीद के साथ कि अल्लाह करे कि हम इस रास्ते पर साबित कदमी से चलते रहें, बहुत दुआ है सब नए सीखने वालों के लिए भी और जिन्होंने इसको सीख रखा है कि अल्लाह ताला इस रास्ते पर हमें चलाते रहें. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. आमीन सुमामीन आप सब के लिए बेहतरीन दुआओं के साथ और बहुत से शुक्रिया के साथ कि मुझे मौका मिला कि मैं इस सतह पे अपने जज्बात का इजहार कर सकूं किसी भी तरह. और अब हम देखते हैं सिस्टर उम्मीद के जो उन्होंने अपने
हवाले से जो अपना इंट्रो उन्होंने दिया है अरबी जुबान में, उसको इंशाल्लाह भी हम देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। इस्मी उम्मीद, अना पाकिस्तानिया मिन लाहौर, अलमाजस्तीरु फिल उर्दिया, अहिब्बु अन अतअल्लमु लुगातुल मुख्तलिफा, तअल्लमतु इंग्लिसिया व फारसिया व पंजाबिया व सराइकिया व उर्दिया, व अक्सरु मा तअल्लमतुल लुगातु मिन साहिबिल लुगात। زرت المقامات المختلفة في باكستان وأوروبا والأمارات وأمريكا وكندا. أحب أن تعلم اللغة العربية كأنها لغة القرآن ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل مسلمين يعرفونها بحد. كانت هذه حلقة الدراسية اللغة العربية إعلامية، فيها كنا طالبات وهذه الخطوة الأولى، وعلينا أن نتعلم إلى حد المزيد. مدرستنا صابرة للتدريس، درجتي في اللغة العربية ضعيف، وأريد أن أرفعها ونريد أن تعفي من أخطائنا. شكرا جزيلا. أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. इसमें एंड में मैं एक बात कहना चाहूँगी, जैसे आपने दोनों स्टूडेंट्स के जो अरबी में तासुरात हैं अपने हवाले से जो छोटा इंट्रोडक्शन 2-4 मिनट्स का आप लोगों ने सुना, इसमें मैं ये बात बताना चाहूँगी कि अभी जो ग्रामर लेवल 1 इन्होंने मेरे साथ किया उसमें हमने बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल रूल्स को नहीं देखा, क्योंकि इसमें इसका जो मतलब सिलेबस आप कह लें वो इतना था कि उसमें हमने सिर्फ अस्मा को ज़्यादा फोकस में रखा, जो इस्म है एराब और जो मुरक्कबात की अकसाम होती हैं जुमला इस्मिया, अभी हमने फेल को टच नहीं किया, फेल को हमने बिल्कुल भी नहीं देखा। हाँ, जिस तरह जो हम मदीना बुक पढ़े थे उसमें थोड़ा बहुत अफाल का जो आता था, कोई भी वर्ड आते थे तो उसमें मैं इनको थोड़ा सा डिफाइन कर देती थी फेल के हवाले से, लेकिन एज टॉपिक्स हमने इनको कवर नहीं किया। तो उतने से लेवल में फिर इन्होंने एंड में ये सेंटेंस मेकिंग की जो कोशिश आई है हमारे साथ की। और इस हवाले से मैं आपके साथ एक लिंक भी शेयर करती हूँ जिसको आप देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, इस लिंक में हम लोगों ने जो क्लास की, एक्चुअली ये क्लास की रिकॉर्डिंग है, इसमें हम लोगों ने जो स्टोरीज को हमारा स्टोरी पढ़ने का जो तरीकाकार था वो क्या था कि हम रीडिंग करते थे, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते थे और उनमें जो वर्ड्स आते थे उन वर्ड से सेंटेंस मेकिंग होती थी स्टूडेंट्स की। तो उस हवाले से ये एक हमारी क्लास का एक डेमो है जिसको मैंने यहाँ चैट में पोस्ट किया है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट जो पार्ट है इस लेक्चर का उसकी तरफ, जिसमें एक्चुअली हमारी ओरिएंटेशन है जो कि हमने न्यू कोर्स स्टार्ट करना है जो इंशाल्लाह आफ्टर 2 वीक्स स्टार्ट होगा 29th of May मंडे से। तो इस कोर्स के हवाले से, ये चूंकि अरबी जबान के हवाले से ये कोर्स है, इसमें एक्चुअली ग्रामर को हम रखेंगे लेकिन ग्रामर मेन चीज नहीं होगी। हमने फोकस जो मेन करना है इसमें वो लैंग्वेज के ऊपर करना है कि हम स्पीकिंग अरबिक, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग स्किल्स, इन सब चीजों को हम टुगेदर करके इस कोर्स के अंदर देखेंगे। क्योंकि देखिए जो राइटिंग है अरबिक राइटिंग वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब हम उसको लिखना शुरू करते हैं, और लिसनिंग भी इसका एक पूरा आर्ट है क्योंकि आप जब आप उसको सुन रहे हैं तो क्या आप जो वर्ड सुन रहे हैं आप उसकी एक बेहतरीन पिक्चर अपने माइंड में बना सकते हैं या फिर आप उसको अच्छे तरीके से राइट कर सकते हैं। तो ये जो लिसनिंग है ये भी उसकी एक बहुत अहम स्किल है, राइटिंग भी स्किल है, और रीडिंग के हवाले से ये है कि हम कुरान चुगे पढ़ना जानते होते हैं तो वो इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन जब हम आम अरबी जबान बोलते हैं
तो और आम जो अरबी जबान लिखी जाती है कुरान के अलावा किताबों में, तो आप उसको देख सकते हैं कि उसके ऊपर एराब नहीं होते। तो विदाउट ये जो हरकास है इसको पढ़ना भी एक अपनी जगह एक बहुत बड़ा स्किल आ जाता है। और स्पीकिंग जो अरबिक है वो तो जाहिर है कि वो आपसे बहुत प्रैक्टिस मांगती है और नॉलेज भी मांगती है। तो अगर हम अरबी जबान की अहमियत के हवाले से कुछ थोड़ा सा इसको देखें, तो इसकी अहमियत के लिए हमारे पास एक ही चीज़ इनफ है, काफ़ी है, जिसके बाद किसी और दलील की ज़रूरत नहीं रह जाती कि अल्लाह ताला ने अपना आखिरी कलाम जब उतारा तो उसके लिए अल्लाह ताला ने अरबी ज़बान को मुंतखब किया कि उसमें अल्लाह ताला कुरान मजीद को नाजिल करेंगे। और इसमें जैसे कुरान मजीद में आता है कि इन्ना अंजलनाहु कुरआनन अरबियन लअल्लकुम तअक्लून, कि हमने कुरान को नाजिल किया अरबी में, अरबी कुरान नाजिल किया। तो ये जो इसकी लैंग्वेज है जबान की, ये अपनी जगह बहुत अहमियत की हामिल है अरबी जबान। और इसमें अगर हम स्कॉलर्स के व्यूज देखें तो इब्नुल कय्यिम कहते हैं कि इन्नल लुगतल अरबियत मिन अद्दीन, कि अरबी जबान जो है वो दीन में से है। व मारिफतुहा फर्दुन वाजिबुन, और इसका जानना फर्ज और वाजिब की के दर्जे में आता है। فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا باللغة العربية. تو كتاب اور سنت کا یعنی قرآن مجید اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت اور ان کی جو سیرہ، کیونکہ سننا جو ہے وہ ایک بہت ہی واسٹ، اس کے اندر میننگز آ جاتے ہیں، وہ صرف حدیث نہیں ہوتی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہوگی وہ سنت کی کیٹیگری میں آتی ہے، وہ اس کو بھی جاننا، اس کی بھی انڈرسٹینڈنگ کرنا فرض ہے۔ ولا يفهم الا باللغة العربية، اور یہ سب چیزیں آپ نہیں جان سکتے مگر جب آپ کو عربی زبان آئے گی۔ اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ترجمے بھی اویلیبل ہوتے ہیں جو کہ ہمیں ارد گرد مل جاتے ہیں، لیکن عربی زبان کی جو اپنی ایک زبان کے اندر جو بہت ساری گہرائی ہے، وہ ترجمہ کبھی بھی اپنے اندر گراسپ نہیں کر سکتا۔ جو آپ ڈائریکٹ ٹیکسٹ پڑھ کے اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور بہت سارے اسلوب ہوتے ہیں جن کو ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، اور ایک لفظ کے بہت سارے میننگز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس جملے کے اندر ایک بہت واسٹنیس ہوتی ہے، اس چیز کو آپ گراسپ نہیں کر سکتے ہیں ترجمے میں۔ تو ترجمہ آپ کو بتا تو دیتا ہے کہ وہ مطلب کیا ہے، لیکن بعض دفعہ جو اس کے اسلوب اور جو ایک جو گہرائی ہے زبان کی، وہ ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ اور جس چیز کے بغیر واجب انکمپلیٹ ہو، یعنی اس کا اتمام نہ ہو سکتا ہو، اس کی کمپلیشن نہ ہو سکتی ہو، تو وہ بھی واجب کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ کہ یہاں یہ جو اینڈ والی بات ہے، یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں، قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ اور احادیث، ان سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربی زبان کی ضرورت ہے۔ تو عربی ایکچولی تو کوئی فرض نہیں ہے کہ مطلب آپ کہہ دیں کہ جی قرآن کی فلانی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ عربی زبان سیکھنا فرض ہے، یا حدیث میں کہیں ہمیں اس چیز کی ایک صراحت ملتی ہو، لیکن چونکہ ہمیں قرآن اور احادیث ان ساری چیزوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ اور سنہ کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے وہ واجب کی کیٹیگری میں ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم جو ہمارے واجبات ہیں ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ اور امام شافعی کا اس میں ایک قول ہے، جو کہ انہوں نے ایک ٹاپک چل رہا تھا، الابتداع فی الدین، یعنی دین کے اندر یہ جو نئی نئی چیزیں گھڑی جاتی ہیں اس کے حوالے سے وہ کچھ ایکسپلین کر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے ایک سینٹینس بولا، اور وہ کیا تھا کہ ما جہل الناس ولا اختلفوا الا لترکہم لسان العرب، کہ جو لوگ ہیں انہوں نے اختلاف کرنا نہیں شروع کیا تھا، اور انہوں نے ان کی جو جہالت ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوئی تھی، مگر کب شروع ہوئی؟ جب انہوں نے لسان العرب کو چھوڑا، یعنی عربی زبان کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت سارے اختلافات اور جو جہالت ہے وہ عام ہو گئی۔ تو اس کال سے بھی ہم امام شافعی کے یہ بات انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ عربی زبان جو ہے وہ ہمارے دین کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔
कि आप इस चीज का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि अगर आप फिक्र के मैदान में जाएं तो जितना इख्तलाफात को समझना और उनके अंदर एक, क्योंकि आप जब फिकी इख्तलाफात में जाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा जो एक चीज जरूरत होती है वो है कि आप दूसरे की ओपिनियन को रिस्पेक्ट कर सकें। वो चीज जितनी आपको आज भी अरबों में मिलती है उतनी अजमों में नहीं मिलती। तो इस चीज को आप अपने इर्द गिर्द के माहौल से और जो अरबी लोग हैं उनके माहौल से जरा सा कंपेयर करके देखें तो आपको एक वाज़े फर्क मिलेगा। गो के अरबों में भी इख्तलाफ है इन सारी चीजों के हवाले से, लेकिन जितनी शिद्दत हमारे एरिया में मिलती है फिक को खास तौर पर लेके, तो वो उनके यहाँ नहीं है, जिस जो कि इमाम शाफी के इस कॉल से भी हमें इस बात की समझ आती है कि जो जहालत और इख्तलाफ है उसकी रीजंस में से एक रीजन जो है वो अरबी जबान से दूरी है। और इसमें देखें कि जब हम अरबी जबान की तह में जाते हैं और इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें समझ आती हैं इसमें। जैसे मैं एक वर्ड मेरे माइंड में आया कि एक्चुअली जो दरख्त है उसको अरबी में कहा जाता है अशजरतु, ये मोनस है क्योंकि इसके एंड में राउंड ता आ रही है। तो मेरे जहन में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है कि अशजरतु और अशजरु, ये दोनों वर्ड्स ऐसे लगते हैं जैसे सुने हुए हैं, क्योंकि कुरान मजीद में इन दोनों वर्ड्स को अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि एक्चुअली तो वर्ड अशजरतु है जो कि मोनस है, तो ये अशजरु क्या है। तो जब मैंने इसको सर्च आउट किया तो इससे मुझे पता चला कि अशजरतु एक्चुअली दरख्त को कहा जाता है जो कि सिंगुलर वर्ड के लिए यूज होता है, जबकि जब आप अशजरु वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है इस्म जिन्स, यानी दरख्तों की जो सारी टाइप्स हैं, हर तरह का जो दरख्त है वो जब आपने इंडिकेट करना हो तो आप कह देते हो अशजरु। जबकि जब हम इस वर्ड को जमा के तौर पर देखते हैं, अशजरतु को जमा के तौर पर देखते हैं, तो इसका मतलब इसका जो प्लूरल बनती है वो अशजार बनती है। तो अशजरतु और अशजरु इन दोनों वर्ड्स को अगर हम कुरान मजीद में देखें तो हमें मिलता है हजरत आदम के किस्से में अशजरतु वर्ड आया है कि वला तक्रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, कि आप दोनों इस दरख्त के पास मत जाना वरना जालिमों में से हो जाएंगे। तो यानी वहां पर एक खास, चूंकि एक खास ट्री की बात हो रही थी तो वहां पर वर्ड अशजरतु का आया। और इसी तरह कुरान मजीद में एक और जगह के ऊपर जहाँ शहद की मक्खी के बारे में अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ उन्होंने अल्लाह ताला का इरशाद है कि अनितखिदी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश्शजरी व मिम्मा याउशून, के पहाड़ों में और दरख्तों में और लोगों की बनाई हुई ऊंची ऊंची जो कंस्ट्रक्शन हैं, यानी याउशून होता है जो चीज चढ़ जाती है, उनके ऊपर अल्लाह ताला ने वही की है इनको, शहद की मक्खी को, कि वो अपने घर बनाए। तो वहां पर हमारे पास वर्ड आता है वमीन शजरी, तो यानी हर टाइप का जो दरख्त है उसके अंदर कहा जा रहा है यहाँ पर कि शहद की मक्खी को घर बनाने के हवाले से। और इसी तरह अरबी जबान में हमारे पास जो मुतरादिफात हैं वो उसकी हमारे पास बहुत ज्यादा, एक 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 ही फेल के लिए आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, एक ही एक्शन के लिए आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे जिनके अंदर आपको वो एक्ट होता हुआ मिल रहा होगा, लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ। जैसे कि जाना के हवाले से गोइंग समवेयर, तो उसके लिए हमारे पास एक फेल आता है अता, जा मिन मकानिन बाद, करीब। जब कोई शख्स करीबी जगह से आता है तो उसको कहा जाता है अता। और कदीमा, कदीमा का मतलब होता है कि जब कोई शख्स बहुत दूर से आए, जा मिन मकान बाईद, अकबला, अकबला का मतलब होता है जा रागिबन, जब कोई शख्स रगबत से कहीं आ रहा है तो उसके लिए आप फेल यूज करेंगे अकबला। अब आप देख लें कि सारों के अंदर आने की एक जो एक्शन है वो सब में मौजूद है, लेकिन छोटे छोटे डिफरेंसेस इसके अंदर हमें मिल रहे हैं। इसी तरह हदरा, हदरा का मतलब होता है जा तलबियत लिदावा, यानी जब किसी को इन्विटेशन दिया जाता है और वो इन्विटेशन को एक्सेप्ट करता है
तो उस वक्त वो जब जाएगा तो उसके लिए फेल यूज होगा हबरा। जारा का मतलब होता है जब तवासुल और बिर की वजह से आप जाएं कहीं, यानी ये जो सिला रहमी है, तवासुल है, आप रिश्ता जोड़ने की हवाले से या कोई नेकी का काम करने के हवाले से जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं जारा। जैसे ये फेल आता है ना जुरतु, तो उसमें ये इस फेल के अंदर ये चीज शामिल है कि तवासुल और नेकी के हवाले से जब आप एक्ट कर रहे हैं तो उस सूरत में जारा का वर्ड यूज होगा। इसी तरह तरका होता है जब रात में सफर किया जाए तो उसके लिए वर्ड यूज होता है तरका। और वरदा का मतलब होता है जब पानी की तलाश में जाया जाए। जैसे कुरान मजीद में भी ये वर्ड आता है ना, वरदा से विरदन वर्ड आता है, इसका मतलब यूज हुआ हुआ है कि वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, कि हम हांक लेंगे जो मुजरिम लोग हैं उनको जहन्नम की तरफ विरदा। किस हाल में होंगे वो उस वक्त? वो सख्त प्यास, यानी वो पानी की तलाश में होंगे, तो यहाँ पर ये वर्ड इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है, जब वो फिरौन का एरिया छोड़ के मदियन गए थे, जब उनसे वो कत्ल खता हो गया और उसके बाद उन्होंने फिरौन का एरिया छोड़ा था तो वो मदियन की तरफ गए, तो उस वक्त भी वलम्मा वरदा मा मदियन वजद अलैहि उम्मतम मिनन नास, के जब वो मदियन के पानी के ऊपर वरदा, जब वो वहां गए तो वहां पर भी जो ये फेल आ रहा है वरदा, तो इसका मतलब है कि वहां पानी है जिसकी तलाश में गए हैं, तो उसके लिए ये वहां पर वर्ड यूज हुआ है। और इसी तरह वफदा कहते हैं जब एक शख्स एक ग्रुप की सूरत में, जमात की सूरत में जाए, तो उसके लिए वर्ड जो है वो वफदा का इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी इस चीज की कि हम समटाइम्स जो फुरुकुल लुगवी इनको कहा जाता है कि एक ही वर्ड है या एक ही फेल है जिसके लिए आपके पास बहुत सारे अल्फाज यूज हो रहे हैं लेकिन उनके अंदर छोटे छोटे आपको डिफरेंसेस मिल जाते हैं। इसी तरह अफाल के अंदर समटाइम्स कुछ लेटर्स की एडिशन से जुमले उस वर्ड के अंदर चेंजिंग जो है वो आ जाती है। इसकी मिसाल में जैसे अगर हम देखें कि कुरान मजीद को जब अल्लाह ताला कहते हैं कि उन कुरान मजीद को नाजिल किया तो उसके लिए दो वर्ड्स यूज होते हैं, अनजला का वर्ड यूज होता है और नजला का वर्ड यूज होता है। तो अनजला एक्चुअली कहा जाता है जब कुरान मजीद को एक ही दफा अल्लाह ताला ने नाजिल किया तो वहां जब दफातन वाहिदा एक ही सिटिंग में पूरा कुरान नाजिल हुआ, जब उस सिलसिले में बात होगी तो वहां पे फेल इस्तेमाल होता है अनजला का। जबकि जब इसको ग्रेजुअली नाजिल करने की बात होगी तो कुरान मजीद को ग्रेजुअली नाजिल करने की बात होगी तो वहां पर जो फेल इस्तेमाल होता है वो है नजला का। तो इसमें जैसे हमें पता है कि जब कुरान मजीद पहली दफा नाजिल हुआ था आसमान दुनिया पे तो उस वक्त वो इकट्ठा नाजिल हो गया, जो कि रमजान के महीने में हुआ था, इसीलिए वो आता है ना कि शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहि कुरान, कुरान मजीद में भी ये बात आती है। तो जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में देखते हैं तो इसने 23 years का टाइम पीरियड लगा कुरान मजीद को इस दुनिया पे नाजिल, यानी हम लोगों के ऊपर नाजिल होते हुए इसको इतना ज्यादा टाइम लगा। तो जब वो आसमान दुनिया से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही आने की बात होगी कुरान में कहीं भी, तो वहां पर जो फेल इस्तेमाल होता है वो नजला, कि वो ग्रेजुअली नाजिल हो रहा है, थोड़ा थोड़ा नाजिल हो रहा है। इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको एक मिसाल भी दी थी कि जो तर्जुमा है, जब हम वो तर्जुमा करते हैं कुरान मजीद का या कोई भी और टेक्स्ट है हम उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो तर्जुमा एक्चुअली समटाइम्स जो पूरे का पूरा मीनिंग है वो ग्रास्प नहीं कर सकता। इसकी मिसाल में मैं आपको देती हूँ, कुरान मजीद की एक मिसाल है, वो कुरान मजीद की एक आयत है, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، کہ ہم نے کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ جو کہ تصدیق کرنے والی ہے، بَيْنَ يَدَيْهِ جو ان کے پاس ہے،
मिनल किताबी किताब में से, व मुहैमिनन अलैह, और वो मुहैमिन है। अब यहाँ पर एक्चुअली कुरान मजीद को मुहैमिन कहा जा रहा है, तो मुहैमिन का जो तर्जुमा है उसमें एक वर्ड के साथ इस वर्ड को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुहैमिनन की ट्रांसलेशन में हमारे पास आता है कि ये मुक्तमिन है, शाहिद, अमीनन, शहीदन और हाकिमन, ये सारे मीनिंग्स जो है वो इस एक वर्ड के अंदर शामिल हैं। मुक्तमिन कहते हैं काबिले एतमाद, शाहिद कहते हैं जो गवाही देने वाला है, अमीन बोलते हैं जिसके अंदर पूरी अमानत मौजूद हो, और शहीद बोलते हैं जिसके ऊपर गवाही दी जाए, और हाकिमन बोलते हैं जो रूल करने वाला हो, कि कुरान जो है वो हाकिम है, जाहिर है कुरान ही से हम तमाम अपनी जो लाइफ की रूलिंग्स हैं वो लेते हैं। तो इस हिसाब से ये जो एक वर्ड है, अब आप देखें कि तर्जुमे में तो इसके जो ट्रांसलेशन होगी उसमें एक दो वर्ड ही होंगे जो इस एक वर्ड को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो तर्जुमा जो है वो नाकाफी हो जाता है बहुत सारी ऐसी जगहों के ऊपर जो हमें जो है वो समझा सके उसका मतलब। तो इसमें एक चीज जो मैं अक्सर महसूस करती हूँ वो ये कि हम जब जुबान सीखते हैं ना तो हम बहुत ज्यादा ट्रांसलेशंस को अपने साथ लेके चलते हैं। तो अरबी जुबान को आप जब भी सीख रहे हैं या इसका कोई भी आप किसी भी स्टेप पे आप इसको सीख रहे हैं तो आप इसके डायरेक्ट टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें। जैसे हमारी मादरी जुबान उर्दू होती है, तो हम उर्दू को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो हम उसको ट्रांसलेट नहीं करते, हम उसके टेक्स्ट को पढ़ते हैं और हम उसको डायरेक्ट अंडरस्टैंड करते हैं। और इसी तरीके से जो अरबिक है उसको भी आप डायरेक्ट टेक्स्ट को समझकर तो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इसमें जैसे मुझे अपना वक्त याद है जब हम जबान सीखा करते थे तो हमने बहुत बिगिनिंग के मंथ्स में अरबिक टू इंग्लिश और अरबिक टू उर्दू डिक्शनरी हमारे हाथों में पॉकेट साइज बड़ी सब स्टूडेंट्स के पास मौजूद होती थी। तो हमारे एक टीचर थे जिन्होंने हमें सख्ती से इस चीज से मना किया था कि आप में से कोई एक बच्चा भी आज के बाद मैं उसके हाथ में ये उर्दू अरबी और इंग्लिश अरबी वाली डिक्शनरीज ना देखूं। तो उन्होंने हम सबको इस चीज के ऊपर प्रोवोक किया था कि आप अरबिक टू अरबिक डिक्शनरीज कंसल्ट करें। तो हम लोग उस टाइम इसी शशोपंज में थे कि हमें तो अरबी खुद नहीं आती, अभी तो हम बिल्कुल बिगिनिंग के मंथ्स में हैं। उस टाइम हमारा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था या सेकेंड सेमेस्टर चल रहा था अरबिक का। तो उन्होंने उस्ताद ने हमें यही कहा कि आप एक दफा पढ़ना तो शुरू करें, और यकीन माने अब मैं अब तक यही मेरा तरीका कार है कि मुझे जब भी कोई वर्ड नहीं समझ आता तो मैं अरबिक टू अरबिक डिक्शनरी में जाती हूँ, मुझे एक्सप्लेन जो उसके अंदर एक्सप्लेनेशन होती है उसे समझ आ जाती है। शुरू में तो जाहिर है हार्ड होता है इंसान के लिए, लेकिन ये टिप मैं आपको इस वजह से दे रही हूँ कि जब हम बहुत तर्जुमे में जाते हैं ना तो तर्जुमा असल में चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो जितना हम अरबी की जबान को अरबी के साथ ही स्टिक रहेंगे और उसको डायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे, जैसे आप देखें बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, वो डायरेक्ट एक लैंग्वेज को सीखते हैं, वो कभी भी उसको ट्रांसलेट कर करके नहीं अंडरस्टैंड करते। आप बच्चे की देख लें, चाहे वो न्यू बॉर्न बेबी हो और चाहे वो 5-6 साल का बच्चा है, वो भी सीख रहा है जबान, तो वो उसको हर चीज को वो ट्रांसलेट नहीं करेगा, वो उसके मीनिंग्स की, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर जो है वो पिक्चर्स बनती हैं, तो वो उसकी जो एक अंडरस्टैंडिंग है वर्ड्स की वो लेता है, वो उसको ट्रांसलेशन नहीं करता है। तो इसलिए तर्जुमा जो है वो बहुत जगहों के ऊपर इस चीज से कासिर रहता है कि वो हमें एक बेहतरीन दे सके, मतलब दे सके। और इस हवाले से एक और मेरे पास छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें अरबी जबान के कुछ वर्ड्स हैं जिनको एक्सप्लेन किया जाएगा यहाँ पर, कि जैसे मुतरादिफात की अभी पीछे बात हुई, हमने एक वर्ड को देखा आने के हवाले से, हमने मुतरादिफ उसके बहुत सारे देखे। तो यहाँ पर एक्चुअली एक वर्ड के लिए अगर हम अस्मा के हवाले से, वो तो हमने फेल को देखा था कि एक एक्शन है और उसमें हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं, अगर हम अस्मा में देखें तो हमारे पास एक ही इस्म के
लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं. जैसे भूख को अरबी जबान में कहा जाता है अलजू, लेकिन जब भूख की शिद्दत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके लिए वर्ड होता है मसगबह, मसगबतुन. ये कुरान मजीद में भी आया है, इसको सीवियर हंगर जब हो तो उसके लिए मसगबतुन का वर्ड यूज हुआ है, होता है. जैसे कुरान मजीद में भी आता है ना कि औ इतआमुन फी यौमिन ज़ी मसगबह, या खाना खिलाना उस दिन में जब शदीद भूख हो, बहुत ज्यादा भूख हो. तो इसका जब तर्जुमा मैंने देखा तो उसमें लिखा था भूख वाले दिन में खाना खिलाया. तो अब ये भूख वाला दिन जो है तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि मसगबा में एक शिद्दत पाई जा रही है, सीवियर उसके अंदर कंडीशन है भूख की. इसी तरह जब गम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके लिए अरबी जबान में यूज होता है अलबस्सू का वर्ड यूज होता है, जो कि याकूब अलैहिस्सलाम के किस्से में हमें मिलता है कि इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि मैं अपना जो परेशानी और रंज है वो अल्लाह ताला की तरफ उसकी फरियाद करता हूँ, या वो अल्लाह ताला की तरफ मैं रुजू करता हूँ उसके हवाले से. तो यहाँ पर भी आप देखें कि बस्सी पहले आया है और हुज़्नी बाद में आया है. हुज़्न की जो एक्सट्रीम कंडीशन है, जो गम की एक बहुत सीवियर वाली हालत है, उसको बस्सी बोलते हैं, जो कि यहाँ पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लिए बयान की. फिर जो एक शिद्दतुल जज़ा वर्ड है कि जब खौफ बहुत ज्यादा हो जाता है, असल में जज़ा बोलते हैं खौफ को, और जब ये खौफ की कंडीशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसके लिए अभी जबान में यूज होता है अल हल, हल का वर्ड यूज होता है. जैसे कुरान मजीद में आया कि इन्नल इंसान खुलिका हलुआ, कि इंसान जो है बहुत कच्चे दिल वाला बनाया गया. तो इसमें हुलुआन के अंदर क्या मीनिंग मौजूद है कि उसके अंदर खौफ बहुत ज्यादा है. और जब यही वर्ड हुलुआन का वर्ड किसी बखील के लिए इस्तेमाल हो जाए तो उसका मतलब होता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा माल की मोहब्बत और माल को जमा करने का एक एलिमेंट मौजूद है. तो ये चीजें हमें यहाँ से मिलती हैं. इसी तरह नदामत, हम उर्दू में भी इस वर्ड को यूज करते हैं. जब नदामत बहुत ज्यादा हो जाती है, शदीद होती है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है अरबी में हसरा का. और इसी हवाले से जैसे हम जानते हैं कि क्यामत के दिन को यौमुल हसरा कहा जाएगा, कि उस दिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको शदीद हसरत हो रही होगी कि काश हम दुनिया में बहुत सारे जो हमने काम किए हैं वो हम ना करते. और अल्लाह ताला हम सबको ऐसे लोगों की कैटेगरी में होने से बचाए कि जिस दिन यौमुल हसरा के दिन जिन लोगों को हसरत बहुत ज्यादा होगी. ओके, तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो अरबी जबान के हवाले से हमें पता चलती हैं कि इस जबान के अंदर कितनी वुसअत मौजूद है और कितनी इस लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस है. और इस हवाले से जब स्कॉलर्स भी बात करते हैं तो एक्चुअली तो वैसे कहा जाता है कि जो जन्नत है, जन्नत वालों की जो जबान होगी वो अरबी जबान होगी. स्कॉलर्स इसके ऊपर जब डिबेट करते हैं तो इसमें हमें कोई सरीह आयत या हदीस नहीं मिलती, लेकिन अक्सर स्कॉलर्स का यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जितनी इस जबान को अहमियत मिली है और जितनी इस जबान की इम्पोर्टेंस है उसके हवाले से ये कहा जाता है. स्कॉलर्स का अपना ये गुमान है कि जन्नत वालों की जो जबान है वो अरबी होगी, यानी उनके काफ़ी ज़्यादा इसके हवाले से आप कह सकते हैं कि परसेंटेज है स्कॉलर्स की जो ये इस बात के ऊपर बिलीव करते हैं. वल्लाहु आलम बिस्सवाब. लेकिन इस जबान की चूंकि अहमियत बहुत ज्यादा है तो इस हवाले से ये चीज भी हमें अरबी जबान के हवाले से मिलती है. और अब हम एंड में देखते हैं जो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, तो ये वंस अ वीक होगा. 1 आवर क्लास होगी इसकी, 5:30 to 6:30 के अराउंड ये एक घंटे की इंशाल्लाह क्लास होगी. और इसमें एक्चुअली जो क्लास हम रखेंगे ये टोटल इंटरैक्टिव क्लास होगी. इसमें हम ग्रामर के जो रूल्स हैं वो क्लास में नहीं पढ़ेंगे,
वो उसकी रिकॉर्डिंग्स इंशाल्लाह मिला करेंगी, और जो जो पढ़ने के बाद अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो जाहिर है वो आप पूछ सकते हैं। लेकिन इस हवाले से ये है कि इस क्लास के अंदर हम 100% एक्टिवली पार्टिसिपेंट्स जो होंगे, पार्टिसिपेशन होगी इसके अंदर, कि आपने सेंटेंस मेकिंग करनी है, आपने रीडिंग करनी है, कभी आप राइट कर रहे होंगे अरबी जबान को। और क्योंकि आपको पता है कि आप अरबी जबान जब कुरान में भी आप पढ़ते हैं तो आप अक्सर ये देखते होंगे कि अलिफ लिखा हुआ है, हम इसको पढ़ तो नहीं रहे लेकिन ये लिखा हुआ है। जैसे बिगनिंग में अलिफ लाम है, वो हमें कैसे पता चलेगा यहाँ हमने अलिफ लाम लिखना है। एंडिंग्स में वाव बहुत ज्यादा होते हैं, एंडिंग्स में आपको वर्ड के एंड में अलिफ समटाइम्स मिलता है जो कि लिखा हुआ होता है। और ये सारी चीजें जो हैं, जाहिर है जब आपको कोई डिक्टेट कराता है तो वो एक्सप्लेन तो नहीं करता यहाँ आप वाव डाल दो, अब अलिफ डाल दो, ये दो लेटर्स एक्स्ट्रा हैं। ये तो आपको जब आप लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ भाई इस वर्ड की फॉर्मेशन चूंकि इस हिसाब से है इसलिए यहाँ पर ये लेटर्स एक्स्ट्रा होंगे कुछ बिगनिंग में कुछ एंड में। तो इस हवाले से हमने जो ये एक घंटा रखना है 5:30 to 6:30, इसमें हमने पूरा आप ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना है। और जाहिर है कुरान तो इसके साथ ही चलेगा कि जहां जहां हमें अरबी जबान की समझ आएगी तो वहां हम उसकी एप्लीकेशन कुरान में भी देखेंगे, ताकि हम कुरान को भी डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर सकें, उसको हमें हर टाइम जो है वो ट्रांसलेशंस को कंसल्ट ना करना पड़े। तो इस हवाले से ये इंशाल्लाह इस कोर्स का तरीका कार होगा जिस पे हम इसको लेके चलेंगे। तो अब अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहे इस कोर्स के हवाले से या कुछ तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो हम इस सेशन को यहाँ एंड करते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।